2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी हवा का रुख अपनी तरफ मानकर चल रही थी। निश्चिंत थी कि इस बार तो योगी को सत्ता पर फिर से कोई विराजित नहीं कर सकता। अपने मन में पार्टी तय कर चुकी थी कि प्रदेश के मुखिया तो अब अखिलेश भैया ही बनेंगे, लेकिन हो गया बिल्कुल उलट। अखिलेश भैया तो सत्ता क्या, वो सत्ता पाने के आसपास भी नहीं दिखे, जिससे वो बौखलाए हुए हैं। समय समय पर उनकी और उनकी पार्टी की टीस सामने आती ही रहती है। कभी अखिलेश तो कभी उनकी पार्टी का कोई और सदस्य योगी सरकार पर या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते रहते हैं, लेकिन फंस उल्टा वो ही जाते हैं। अखिलेश को ही कई बार जनता से मुंह की खानी पड़ी है, कई बार अखिलेश को जनता से उल्टा सीधा सुनना पड़ा है। अब बारी थी उनके प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की। सपा का चर्चित चेहरा है, टीवी डिबेट्स में सपा का पक्ष रखते हैं और अखिलेश के काफी करीबी माने जाते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इस बार बीजेपी प्रवक्ताओं को निशाने पर लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के माध्यम से उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ताओं का एक तरह से मजाक उड़ाना चाहा था। हालांकि जवाब जो मिला है उसे देखकर आप खुश जरूर होंगे। अनुराग भदौरिया ने ट्वीट किया, भाजपा में कौन भगोड़ा प्रवक्ता जो हमेशा भागता ही रहता है। अब भदौरिया ने सोचा होगा कि जनता की तरफ से उनके पक्ष में ट्वीट आएंगे, सपा के पक्ष में प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन ये क्या, समाजवादी पार्टी के सोच से ये तो बिल्कुल अलग हो गया। दिनेश सिंह रावत नाम के यूजर ने लिखा, सावन के अंधे को हरा दिखना सामान्य बात है, लेकिन वो कौन सा अंधा है जिसे 12 महीने हरा ही हरा दिखता है। चाणक के नाम के यूजर ने लिखा, डिबेट से भागने वाले भगोड़े को सब भगोड़े ही दिखेंगे, सावन के अंधे को हरा ही दिखता है हरे कुर्ते। मनोज इंडियन नाम के यूजर ने लिखा, वही है जो लखनऊ की सड़क पर रिक्शा चला रहा था, वो शायद समाजवादी पार्टी का घरेलू काम करने वाला और शाम को घोड़े पर चढ़कर हरा कुर्ता पहनकर, नाम मेरे को नहीं मालूम। वीरेंद्र सिंह नाम के यूजर ने लिखा, गोल टोपी उसने एक लाइव डिबेट में तेरे कान के नीचे दिया था, याद तो होगा जाहिर। श्रीकांत भारद्वाज ने लिखा, भाजपा का कोई नेता ना कोई प्रवक्ता कभी भगोड़ा हुआ है, डटकर अपने शब्दों से सभी लोगों का हमेशा मुकाबला करता है, आप जैसा थोड़ा ही शराब पीकर टीवी चैनल डिबेट के लिए आ जाते हैं। पवन सिंह नाम के यूजर ने लिखा, भाजपा की बराबरी मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू, शर्म करो, 2017 वाले कार्यकाल में सपा एक सम्मानजनक विपक्ष भी नहीं बना सकी थी, एक राज्य में भी सम्मानजनक विधायक नहीं, और बराबरी देश के अधिकांश राज्यों में सरकार वाली पार्टी से सही है। अब जिस तरह से लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी है उससे तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर अनुराग भदौरिया ने एक सवाल पूछकर कितनी बड़ी गलती की है। शायद मन ही मन सोच भी रहे हो कि गलती हो गई, लेकिन सामने तो दिखाना है कि सपा के वफादार हैं, तो फिर लगे बीजेपी पर तंज कसने। एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भाजपा के प्रवक्ता श्री गणेश भगवान की स्तुति नहीं कर पाए और INS विक्रांत के बारे में भी नहीं बताया, सिर्फ वाहवाही लूटना चाहते हैं। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, लगता है भाजपा के पास एक टीम है जो सुबह होते जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए नया मुद्दा खड़ा कर देती है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अब इस पर भी भदौरिया को कैसे जवाब मिले होंगे वो तो आप समझ ही गए होंगे। आपको बता दें, सपा के प्रवक्ता और यूपी के पूर्व खेल मंत्री रहे हैं अनुराग भदौरिया। सपा के ऐसे नेताओं में गिने जाते हैं जो टीवी डिबेट्स में तो सपा का पक्ष रखते ही हैं, साथ ही सड़क पर उतरकर भी जनमानस को पार्टी से जोड़ने की कवायद में जुटे रहते हैं। उनकी एक और पहचान उनका हरा कुर्ता है। अभी प्रतिक्रियाओं में भी आपने देखा किस तरह से भदौरिया पर उनके हरे कुर्ते को लेकर तंज कसे जा रहे थे। कहते हैं कि अनुराग भदौरिया हरा रंग काफी पसंद करते हैं, उनके मुताबिक हरे का मतलब शांति और हरियाली होती है, शायद उसी से अपना जुड़ाव दिखाने के लिए भदौरिया ज्यादातर हरे रंग के कुर्ते और जीन्स में ही दिखाई देते हैं, इसे ही उन्होंने अपनी पहचान बनाया हुआ है। वैसे हरा कुर्ता पहनकर जिस तरह से अनुराग भदौरिया ने ट्वीट के जरिए बीजेपी के खिलाफ लोगों का मत जानने की कोशिश की थी और उस पर उन पर ही हुए पलटवार को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।